एक क्वेश्चन जो मैं आपको 1000 बार करा चुका हूं, ये वाला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार मैंने आपको ये सवाल कराया है, ठीक है। आप जरा ये सवाल को देखो कि फॉर एनी चॉइसेस ऑफ द वैल्यू एक्स वाई जेड द सिक्स डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाई। ये मैंने आपको कई बार कराया है। डिविजिबिलिटी में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं और ये दोनों तरह के क्वेश्चन हम आपको रिपीट करवा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला तरह का हमारा क्वेश्चन क्या बनता है मेरे भाई यहाँ पे, तो पहला जो हमारा सवाल बनता है वो ऐसा बनता है, समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि एक ये वाला फॉर्मेट रहता है कि कोई भी दो अंकों की संख्या को यहाँ पर जो है, देखो एक होता है कि दो डिजिट हमारे क्या हो रहे हैं, तो दो डिजिट हमारे जो है वो रिपीट हो रहे हैं। कितना रिपीट हो रहा है, तो हमारा दो डिजिट जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है। और तीसरा मेरे भाई यहां पर होता है, ठीक है, एक हमारा होता है यहाँ पर, तीन डिजिट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। और आज हम आपको दोनों का ट्रिक बता देते हैं कि दोनों का ट्रिक आप कैसे याद रख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में, पूरी कहानी आपको जाननी ही नहीं है। दो डिजिट का रिपीटेशन कैसे हो सकता है, जैसे मानो ए बी नाम की संख्या है, तो एक बार इसको रिपीट कर दिया तो ये भी बन गया, तो बोलेगा बताओ यहाँ पर ये संख्या किससे विभाजित है। या जैसे मान लीजिए दो डिजिट आपका ए बी है, इसको दो बार ना रिपीट करके हमने कुल तीन बार रिपीट कर दिया, तो ये हमारा ए बी हो गया, फिर हमारा ए बी हो गया, फिर हमारा ए बी हो गया। या फिर जैसे मान लीजिए कि हमने इसको तीन बार रिपीट ना करके हमारा मोड हुआ, चार बार हमने रिपीट कर दिया, तो ये हमारा ए बी हो गया, फिर हमारा ए बी हो गया, फिर हमारा ए बी हो गया, फिर हमारा ए बी हो गया। मतलब यहाँ पर दो दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। एक और रिपीटेशन करा देते हैं, जैसे दो पेयर था, तीन पेयर था, चार पेयर था, तो यहाँ पर हम कितना करेंगे, ए बी ए बी, फिर हमारा ए बी, फिर हमारा ए बी, फिर हमारा ए बी, मतलब जितनी मर्जी बार हम इसको रिपीटेशन करा दें, ये हो गया हमारा। और दूसरा होता है तीन डिजिट का रिपीट होना, तीन डिजिट का रिपीट होने में सिंगल केस बनता है और वो हो जाता है ए बी सी ए बी सी यहाँ पे, ठीक है, कि शुरू के तीन अंक बाद के तीन अंक हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो कितने से डिविजिबल होता है, कैसे डिविजिबल होता है, और एक ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर बात, आपको यहाँ क्या करना है, ए के लिए मेरे भाई 1 लिखना है और बी के लिए कितना लिखना है, 0। तो यहाँ पर लिख दिया 1, इसके लिए 0, फिर एक के लिए यहाँ पर कितना लिखना है, 1, और यहाँ बी के लिए कितना, 0। लेकिन ये लास्ट वाली संख्या आपको नहीं लिखनी है, ये लास्ट वाली संख्या आपको नहीं लिखनी है, बस ट्रिक हमारा इतना है। जैसे मान लीजिए 4 अंक है ना, तो आपको मात्र 3 अंक लिखने हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ए के लिए कितना लिखेंगे, 1, बी के लिए कितना लिखेंगे, 0, ए के लिए कितना लिखेंगे, 1, और लास्ट वाले संख्या के लिए लिखना ही नहीं है। यानी ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, तो 101 01 से होगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं, ए हमारा किससे डिविजिबल होगा, 1 से। देखो बी के जगह पे 0, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 0, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 0, ए के जगह पे 1, और बी वाला तो लिखना ही नहीं है, बात खत्म। इस तरीके से यहाँ पर कैसे लिखोगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, काम खत्म, बी के जगह पे नहीं लिखना है। तो पेपर में कई ऐसे एग्जाम है, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, डिफेंस है, यूपीएससी है, ये सभी में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर दो अंकों की संख्याओं को हम रिपीट करते चले जाएं तो ये किससे डिविजिबल होगा, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर इसमें पूछा जाता है कि अगर ये तीन डिजिट के अंकों को अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो इनके बारे में क्या कहानी है, क्या राय है, क्या विचार है। तो इसके लिए मेरे भाई सिंपल रहता है, 1001 याद रखना है, 1001। और जब इस 1001 को अगर आप तोड़ोगे ना, तो ये 1001 जो बना है वो बना है 3 × 7 × 11 से। यानी इसको दो प्रकार से कहा, अभी मैंने रिसेंट में चैंपियंस 9.2 बैच में पढ़ाया भी ये बात डिविजिबिलिटी में, और मैंने उन्हें कहा भी मेरे भाई कि यदि मान लीजिए कि कोई ऐसी संख्या जिसके शुरू के 3 अंक आखिरी के 3 अंक हमारे रिपीट होते हैं, तो उसका मतलब वो 1001 से डिविजिबल है, और दुनिया की जो भी संख्या 1001 से डिविजिबल है वो 3, 7 और 11 से कटती ही कटती है। तो ये आपको लिखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने ये क्वेश्चन में कहा और क्या कहा कि देखिए एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड ये किससे डिविजिबल है, तो 1001 से। और जो संख्या एक मिनट, यहाँ पे मैंने यहाँ क्या लिखा है, 3, 7, 11 नहीं, माफ करेगा, 3, 7, 11 नहीं होगा, 7, 11, 13 होगा। कितना होगा, 7 होगा 11 होगा 13 होगा, 3, 7, 11 नहीं होगा, 7, 11, 13 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1001 से कटेगी वो किससे कटेगी, 7, 11 और 13 से कटेगी मेरे भाई, क्लियर है ये बात। यहाँ पे किससे कटेगी, तो 7, 11 और 13 से कटेगी, ऑन द स्पॉट ध्यान रखना, ये सब तुच्छे सवाल होते हैं, ठीक है।